आजकल बहुत सारे नौजवान जिनको कुछ काम नहीं होता, उनको काम मोबाइल के ज़रिए मिल गया है। कैसे मिल गया है? उसमें फिल्में और म्यूज़िक स्टोर करना, ये जायज़ नहीं है। फिल्में मोबाइल में, अब मेमोरी आ गई इसके पास, तो इसके पास क्या आ गया? बड़ा बर्तन आ गया है। अब आपको टीवी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में टीवी है। आप क्या करेंगे? उसमें फ़िल्म डालेंगे, फुला फिल्म आई उसमें डाउनलोड किया या उसके अंदर कहीं से कॉपी करा ले। बल्कि बहुत सारे मोबाइल के दुकान वालों के पास होता है, कौन सी फिल्म चाहिए वो डाल के देगा आपको। वो बोलता है मेरी मेमोरी है, उसको फॉर्मेट करो, एक काम करो, ये नई नई चार पांच नाम है कौन सी चीज़, उसके पास लिस्ट है, ये फिल्म चाहिए, ये फिल्म इतना पैसा लगेगा, वो पूरी फिल्में उसको डाल के देगा। कौन से गाने चाहिए? पूरे गाने शरीफ पूरे उसमें आएंगे। कितने गाने चाहिए? 200 गाने बहुत हो गए। हाँ ठीक है, 200 बैठेंगे, डाल दे भाई डाल, और डाल दिया उसके। फिर क्या करेंगे? किसी के घर की खिड़की के नीचे चार नौजवान बैठेंगे और मोबाइल लगाएंगे, और चाइना का तो उसमें आवाज़ में इतनी बरकत है वो आपकी ज़रूरत पूरी करके जो नहीं सुनना चाहता उसकी भी ज़रूरत पूरी कर सकता है, ऐसी आवाज़ के बस सबको दहला दे। अब वो सुन रहे हैं, सब चार पांच नौजवान बैठे और बैठ के क्या कर रहे हैं? सब मिलके इज्तिमाई गाना सुन रहे हैं, सब फिल्म देख रहे हैं, और उस पर यानी आम फिल्में और गाने तो दूर, बेहयाई की सारी चीज़ें उसमें मुयस्सर हैं। बल्कि बाद लोगों ने, जो मोबाइल वाले हैं, वो बताते हैं कि बाज़ औक़ात बुरख़े वाली लड़कियां भी इस तरह की चीज़ें मांगती हैं। आप बताइए क्या करेंगे? कितनी बेहयाई की चीज़ है ये, इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिल्में और वगैरह इस तरह की चीज़ें मोबाइल में स्टोर करके बैठ के देखते बैठना, उसको ये जायज़ नहीं है। तो इसका ये गलत इस्तेमाल है। मौसीकी के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लयकूनन्ना मिन उम्मती अक्वाम, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे आएंगे, यस्तहिल्लून अलहिर वल हरीर वल खमर वल मआज़िफ, जो हिर को यानी शर्मगाह को हलाल यानी जिना को हलाल कर लेंगे, और इसी तरह से रेशम को हलाल करेंगे, और शराब को हलाल करेंगे, और इसी तरह से म्यूज़िक के आलात को भी हलाल कर लेंगे। तो मोबाइल के अंदर म्यूज़िक और इसी तरह से फिल्में, गाने, नाच गाना, खेल तमाशा, इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करना और उसके अंदर उसको इस्तेमाल करना, स्टोर करना, ये जायज़ नहीं है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह से बहुत सारे लोग यानी फिल्म एक्टर और एक्टरनी क्या कहेंगे उसको, एक्ट्रेस, तो इनका भी जो है, इनकी तस्वीरें स्टोर करते हैं और स्क्रीन सेवर बनाते हैं, और अलग अलग तरह से वो खड़े हैं, कोई ऐसा खड़ा है, कोई टोपी पहन के, कोई औरत है, कोई मर्द है, तो अजनबी औरतों की तस्वीरें उसमें रखना ये जायज़ है नहीं है। खुसूसन अगर वो लिबास ऐसे पहने हों कि शरीफ आदमी देखना भी पसंद न करे, तो ऐसे लोग जो हैं इस तरह की तस्वीरें अपने मोबाइल की स्क्रीन सेवर पर बल्कि अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। तो हराम तस्वीरें इसमें रखना, ऐसी तस्वीरें जो जायज़ नहीं है, देखना भी जायज़ नहीं है, उस तरह की तस्वीरें अंदर तो दूर, बाद अवकात स्क्रीन सेवर पर रखना, ये बताने के लिए मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ सबसे, तो ये मेरा मोबाइल पहचानने में आया, अच्छा ऐसा पहचानता है तू, चप्पल पे भी लगाएगा? आप बताइए ये क्या तरीका है। तो इस तरह की चीज़ें बाद अवकात मोबाइल के ऊपर लोग चिपकाते हैं, जो उसको बहुत फेवरेट एक्ट्रेस उसकी है, या कोई सिंगर है, या कोई प्लेयर है टेनिस की, या कोई भी, उसके ऊपर चिपकाते हैं, ये सब क्या है? जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैनु तज़नी वल क़ल्बु यज़नी, आँखें भी जिना करती हैं। आप क्या समझे जिना सिर्फ ऐसा होता है कि कोई आदमी किसी औरत से गलत ताल्लुक़ कायम करे? आँख भी जिना करती है और दिल भी जिना करता है। जिना का अमल दिल से भी होता है, गंदे ख्यालात का सोचना, दिल में इरादा करना, ये दिल का जिना है। और आँख से ऐसी चीज़ देखना जिसको शरीयत ने देखने से मना किया है, बेहयाई की चीज़ें देखना, ये आँख का जिना है। और फ़ज़ीन अलाइन अन्नवर वज़ीन अलकल्बी अतमन्नी, आपने फरमाया कि आँख का जिना नज़र है, बुरी नज़र है, गलत चीज़ को देखना है, और दिल का जिना तमन्ना करना है कि किसी को देखा तो उससे दिल में गंदी तमन्ना पैदा हो जाए, जबकि उसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी जीनत को देख के ये इसके दिल में तमन्नाएँ पैदा होने, ये क्या है? दिल का जिना है, दिल का जिना है। इसको इमाम अलबुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो ऐसी तस्वीरें, ऐसी फिल्में रखना अजनबी औरतों की, ये शरीयत में जायज़ नहीं है, न घर में न मोबाइल में।